कानपुर के मोती झील में लंदन ब्रिज फन फेयर आते ही लंदन जैसी फीलिंग मन में आ जाती है। इस फन फेयर में लोगों को राजस्थानी चाट, मुंबई की भेलपूड़ी, गुजरात का चना, मेरठ की चाट और गोवा का शेक एक ही जगह पर खाने पीने को मिल रहा है। मोती झील फन फेयर मेला में बच्चों के लिए भी मनोरंजन के भरपूर साधन हैं, जहां पर ज्वाइंट व्हील झूला, कोलंबस झूला, ब्रेक डांस झूला हो या फिर मून स्टार झूला, न्यू रोलर कोस्टर रोमांच के शौकीनों की पहली पसंद बन रहा है। साथ ही बच्चों के लिए तमाम तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस मौके पर बॉलीवुड अभिनेता राहुल रॉय ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भी लोगों का मनोरंजन किया। यूं तो बॉलीवुड में कई फिल्में इश्क और मोहब्बत पर बनी, लेकिन असली आशिक का तमगा जो राहुल रॉय को लगा वो किसी और को न लग सका। इस वक्त हमारे साथ राहुल रॉय हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी महफिल में मैं खुद को जाने को मिला, और बहुत खुश लग रहा है कि जब जाता हूँ तो सब लोगों के साथ मेरे को मिलने को मिलता है एंड एवरीथिंग। एंड मोदी जी का वो भी है एट द मोमेंट, जो क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी का क्या बोल रहे हैं कि जो करेक्ट हैं वो आए, तो बहुत अच्छा है। सब लोगों के साथ में मिलना जुलना वगैरह है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कानपुर को लेके क्या कहेंगे? कानपुर का बहुत अच्छा लोग हैं। मैंने काफ़ी लोगों के साथ, मैंने पहले भी लिखा है, बट मैंने आजकल जो लिखने को मिल रहा है, आजकल जो मैं मिलके वो बहुत अच्छी बात मिल रही है, और मेरे को और बहुत अच्छी मुलाकात होती है सब लोगों के साथ, तो बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। एंड आई एम सब, अब जो कुछ भी है एट द मोमेंट मैं तो यही सब इसमें करता हूँ, कुछ करता हूँ। आपकी फिल्म आई थी एक जुनून, जो कि कई सालों पहले उस तरह की फिल्म थी, आज फिर से एक बार उस तरह की फिल्में बनाने की बॉलीवुड में कोशिश की जा रही, क्या अंतर देख पा रहे हैं आप? बहुत अच्छी फिल्म है यार, पहले बहुत अच्छी फिल्म होती थी, अभी थोड़ा सा और कर रहे हैं एट द मोमेंट। तो मैं सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ कि भेड़िया जो है उन्होंने एक अच्छी बनाई थी, तो सब लोग हैं एट द मोमेंट, डेफिनेटली सब लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कोशिश कर रहे हैं एट द मोमेंट, तो सब अच्छा है यार एट द मोमेंट, डेफिनेटली सब करना है एट द मोमेंट। मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ एट द मोमेंट, जैसे हो जाएगा देन आई विल टेल यू, मेरा भी है एट दिस मोमेंट। क्या कुछ खास कर रहे हैं? फैंस को तो इंतजार रहेगा। मैं जल्दी में करता हूँ, पक्का जल्दी में कर रहा हूँ। केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी फिल्में हैं, और मैंने भी किया है आगरा जो कल कांस में हुआ है, और जो निर्देशक है कन्नू बहल, उसने बहुत अच्छा फिल्म किया है, और ये सब फिल्में जो हैं एट द मोमेंट बहुत अच्छी फिल्में मेरे को करना पड़ रहा है, एंड मैं और भी और डेफिनेटली मैं कुछ करूँगा एट द मोमेंट। साल 2022 बॉलीवुड के लिए कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर रहा, कहा जा रहा था, क्योंकि क्या मानते हैं कहानी, सिनेमेटोग्राफी, क्या कुछ कारण मानते नहीं, हैं या नेपोटिज्म? नहीं नहीं, वो तो मैं बहुत डिफरेंट है ये सब। मैं दो साल तो मैं खुद निकल गया था, क्योंकि मैं कारगिल में मैं निकल गया था, और मैं कुछ बोला भी नहीं, मैं कुछ लोगों के साथ मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, बट मैंने आजकल जो मैं धीरे धीरे मैं दिख रहा हूँ सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को ब्रेन स्ट्रोक था और मैं कुछ नहीं करना चाह रहा था एट दैट पॉइंट। अब मैं सब चीज़ें मैं आराम से मैं सब लोगों के साथ मैं बोलता हूँ, सब चीज़ें करता हूँ, तो इट्स बेटर फॉर मी। तो मैंने जो बातें, मैं अब जो कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ लोग हैं जो मैंने ऑलरेडी किया है, और लुक और भी कुछ कोशिश कर रहा हूँ एट द मोमेंट, जैसे वो हो जाता आई विल टेल यू ऑल। जो आपके फैंस हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, सभी को क्या संदेश देंगे? भैया पहले उनके साथ मैं पहले बोलता हूँ कि डेफिनेटली आप मुझे कुछ करो, एंड आपको सब लोगों के साथ डेफिनेटली काफ़ी लोगों के बीच में
मैं भी कुछ लोगों के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी देखो सब चीज़ें एंड आई विल कॉल यू यार। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ राहुल राय थे जो जल्द ही कई नए प्रोजेक्ट में एक बार फिर से फैंस के सामने नजर आएंगे। कानपुर मोती झील जो प्रदर्शनी लग रही है इसके आयोजक में प्रबंधक हूँ। सर आज कौन किस कौन आए हैं कानपुर प्रदर्शनी की स्पेशलिटी? ओके, कानपुर मोती झील में आज तीसरा दिन है राहुल जी को, यहाँ पे रोजाना लाइव शो चल रहा है। तो कानपुर मोती झील में जो भी फैमिली बच्चों के साथ बड़ों के साथ सब आ रहे हैं, तो वो राहुल जी का जब उन्होंने लाइव शो देखा तो बहुत खुश हो रहे हैं, लोग ऑटोग्राफ ले रहे हैं। इतना मेले में भीड़ आ गई कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ भी मेले में आ सकती है। तो ये राहुल जी की फ़ैन फॉलोइंग है जो कानपुर वासी अभी तक और बल्कि पूरे इंडिया में ही इनके फ़ैन ऐसे हैं फिल्म आशिकों को लेके जो इतना याद करते हैं और इन्हें अभी तक भूले नहीं हैं, इनको अपने दिलों में रख रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और राहुल जी की एक बात बहुत अच्छी है कि बहुत नॉर्मल हैं, सॉफ्ट हैं और ज़मीन पे हैं, एकदम डाउन टू अर्थ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अपने फ़ैन से ऐसे मिलते हैं तो हम तो देख के रह गए कि कोई एक्टर ऐसे भी हो सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। सर मोती झील प्रदर्शनी लगी है, पूरे शहर का जुड़ाव इससे है, क्या कहना चाहेंगे? मोती झील जो प्रदर्शनी है वो एक मिडिल क्लास फैमिली एंड अपर क्लास एंड लोअर क्लास तीनों फैमिली को लेकर के एक कॉम्बो बनाया गया है। यहाँ पर सबसे सस्ता अच्छा मनोरंजन उपलब्ध है, पूरी फैमिली कोई भी अपने बच्चों के साथ सस्ता मनोरंजन कर सकते हैं, घूम सकते हैं। मेले में सारे झूले हैं, स्टॉल हैं, खाने पीने के स्टॉल हैं, लाइव शो हो रहा है, बच्चों के कंपटीशन, अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाले हैं, डांसिंग कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, और अभी कल और सर का शो रहेगा राहुल जी का, तो लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए। तो ये सब मेरी यही प्रार्थना है कानपुर वासियों से कि अपनी फैमिली को लेकर आएँ और यहाँ पर मोती झील में जो सस्ता मनोरंजन उपलब्ध है उसका आनंद उठाएं। हमने एक एंट्री पे प्रवेश द्वार पे लाल किला बनाया, जो डमी सेट है, लंदन ब्रिज बनाया, वो पूरा एक डमी सेट है, सब लोग आएँ देखें मनोरंजन करें।